हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 21st ऑफ मार्च और अभी मैं हूँ किचन में और मैं बनाऊंगी आज तहरी या पीले चावल भी जिसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो यहाँ पर मैंने गाजर कद्दूकस करके रख ली हैं। गाजर भी बहुत अच्छी लगती है चावलों में। टमाटर काट लिए हैं, प्याज आलू थोड़ा सा ही काटा है, हरी मिर्च काटी है और मटर क्या है वो ख़त्म हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला, तो मतलब थोड़ी सी बची हैं। चावल मैंने धो करके ना पानी में भिगो के रख दिए थे, इससे चावल बहुत ज़्यादा खिले खिले बनते हैं। कुकर में यहाँ पर ऑयल भी मेरा गर्म होने मैंने चढ़ा दिया है। अब देखिए गर्म हो गया, सबसे पहले डालूँगी इसमें हींग, उसके बाद मैं डालूँगी इसमें जीरा। हींग और जीरा मैं ज़रूर से ज़रूर डालती हूँ हर चीज़ में। और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें प्याज और हरी मिर्च और आलू, तीनों डाल दूँगी मतलब एक साथ ही। लहसुन नहीं डालूँगी, लहसुन मुझे अच्छा नहीं लगता चावलों में। इसमें ना आलू मतलब अच्छे से भुन जाएगा, थोड़ा सा लाल हो जाएगा तो क्रिस्पी सा लगेगा जब खाएंगे उसको। अब मैंने इसमें टमाटर और मटर भी डाल दी है और फिर बाकी के जो मैंने सारे मसाले मिक्स करके रखे हैं ना, जैसे कि लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है और हल्दी है, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अब जब वो अच्छे से भुन जाएगा तो मैं इसमें हल्का सा पानी डालूँगी, क्योंकि चावल ऐसे हैं जो हल्के से पानी में ही हो जाएंगे बॉयल। तो देखिए बस मैंने बस थोड़ा सा ही पानी डाला है इसमें और अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। क्या है ना कि कैमरा पकड़ करके और मैं चावल नहीं दिखा सकती हूँ, तो मतलब ये तो सभी जानते हैं कि कितने चावल में कितना पानी डालना चाहिए, लेकिन मेरे जो चावल हैं वो थोड़े से खिले खिले वाले हैं, अच्छे से हैं, बासमती चावल हैं। तो हल्का सा पानी डाल दो आप, एक उंगली बस ऊपर, आधी उंगली ऊपर डाल दो तो वो एक सीटी में ही मतलब हो जाते हैं बहुत बढ़िया से, और बहुत ज़्यादा अच्छे बने भी थे। मैं दिखाऊंगी आपको, बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बने थे। ऐसा नहीं है कि चावलों में आप बहुत ज़्यादा ऑयल डालो तभी वो बहुत ज़्यादा खिले खिले बने, ऐसा कोई बात नहीं है। और अपने हिसाब से पानी देखिए, क्योंकि चावल भी अलग अलग वेराइटी के आते हैं ना, मतलब कुछ तो ऐसे आते हैं देसी आते हैं, कुछ बासमती आते हैं। इंडिया गेट वाले चावल बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो तो बिल्कुल ही थोड़े से पानी में बस बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो अपनी अपनी वैरायटी होती है चावलों की, उस हिसाब से पानी डालना चाहिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, ये देखिए बस थोड़ा सा पानी डालूँगी और बस ढक कर के कुकर को बंद कर दूँगी। उसके बाद मैं ना ये बार बार इसमें झारा इसीलिए डाल रही हूँ कि मैं ना अंदाज़ा लगा लेती हूँ झारे से कि कितना पानी है, चावल कितने बैठ गए हैं नीचे, इसीलिए बार बार झारा डाल करके इसमें देख रही हूँ कि पानी ज़्यादा तो नहीं है मतलब या ज़्यादा कम तो नहीं है। अब बस इसमें नमक डाल दूँगी। नमक चावलों में ना, नमक हमेशा ना थोड़ा सा कम ही डालना चाहिए, क्योंकि चावलों में नमक तेज़ हो जाता है, मगर आप ज़्यादा नमक डाल दोगे ना तो फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। तो हल्का सा नमक डालोगे वो भी सारे चावल में बिल्कुल बराबर का बैठ जाता है। अब बस देखिए ढक्कन लगा दूँगी मैं इसमें और ढक्कन लगा करके एक दो सीटी आने तक इसे पका लूँगी। तो भैया खाने की तैयारी तो हो गई है और अब तो घर पर ही रहना है, मैं तो असली घर पर ही रहती हूँ। और कल वैसे भी जनता कर्फ्यू है, मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, कल तो वैसे भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। निकलना भी क्यों है ऐसे में, बाहर निकलना है, अपने ही अपने घर की सेफ्टी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे पता है थोड़े दिनों से जुकाम हो गया था और खांसी भी आ रही थी, तो मेरी तो वाट लग गई, मतलब मैं सोचा भैया मुझे भी कोरोना वायरस हो गया। लेकिन फैक्ट्री बात यह है कि मैं तो बाहर ही नहीं गई कहीं, मेरे हस्बैंड जॉब जाते थे, उनका भी वर्क फ्रॉम होम हो गया, काफ़ी सारे लोगों का हो गया वर्क फ्रॉम होम, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब तो मेरा सही है जुकाम, मेरी बेटी को भी हो गया था तो भी मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। मेरी आँखों में ना मिर्च के हाथ लग गए, अभी मैं मिर्च डाल के आई हूँ ना तहरी में, मिर्च के हाथ लग गए, मैं जाकर के आँखें धो लेती हूँ। चलो मैं जाकर आँखें धो लेती हूँ फिर बात करती हूँ आपसे। और देखिए मेरे पीले चावल बनके तैयार हो गए हैं, तहरी भी जिसे बोलते हैं, कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा औसम लग रहे हैं और बहुत अच्छे बने भी थे। तो इसके साथ थोड़ा सा अचार भी होना चाहिए और चावलों में तो भैया थोड़ा सा घी भी होना ही चाहिए तभी अच्छे लगते हैं। मेरे हस्बैंड तो बिना घी के खाते भी नहीं हैं, तो चलिए जल्दी से खा लेते हैं चावलों को। तो बस अभी सोकर उठी हूँ और जब मुझे सोना था तो मेरी बेटी पैदा कर रही थी मेरे कान पर, अब खुद सो रही है आराम से, चाय बना रही हूँ, चाय वाला का पीऊंगी, थोड़ा सा रिलैक्स करूंगी।
और मैं चाय पी ही रही थी तभी मुझे आवाज़ आ गई कि मेरी बेटी उठ गई है, तो मैं जल्दी से बस उसे लेने चली गई, क्योंकि उठ जाती है वो तो बिल्कुल चलने लग जाती है, बेड से गिर जाए, पर मैं गिर भी गई है एक दो बार तो डर लगता है, इसीलिए मैं जल्दी से उसे उठा लाई। उसे भी अपने साथ बिस्किट खिला रही हूँ और वो बिस्किट कैमरे की तरफ कर रही है, देखिए आप लोगों को खिला रही है, आप लोग भी खा लीजिए। और मतलब कोई भी चीज़ कोई खा रहा हो उसको पक्का से पक्का चाहिए, मतलब उसको चाहिए ही अगर कोई कुछ खा रहा है तो। और यहाँ पर देखिए वो मेरा ट्राईपॉड लेकर के घूम रही है, ये मेरा ट्राईपॉड है, टाइगर ट्राईपॉड जो मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, और इसने आते ही एक टांग उसकी तोड़ दी, मतलब उसको टिकाना पड़ता है, जैसे कि अगर मैं कुछ शूट करूँ तो उसको टिका करके रखना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है इसमें, ये नीचे झुकता नहीं है, मोल्ड नहीं होता है नीचे की तरफ, तो नीचे की चीज़ें आप जैसे कि कोई सब्ज़ी वगैरह बना रहे हो तो दिखा नहीं सकते, उसके लिए मुझे हाथ में ही अपना फ़ोन पकड़ना पड़ता है तब शूट करना पड़ता है। इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा था जैसे कि अगर आप लोग सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं शूट करते हैं तो कौन सा ट्राईपॉड यूज़ करते हैं, मतलब या फिर कोई और टेक्निक अगर आप यूज़ करते हैं बिना ट्राईपॉड के तो वो भी बता दीजिए मुझे। तो देखिए यहाँ पर कैसे लेकर के घूम रही है वो, और अगर उसे कोई चीज़ छीनो वो घूम रही हो लेकर के तो इतनी बुरी तरह चीखती है कि पड़ोसी भी सुन लेते हैं। और यहाँ पर ना मैं देखिए ऑरेंज लेकर के बैठी हूँ और वो कैमरे की तरफ भाग गई और उसने मेरा फ़ोन गिरा दिया, ये देखो गिरा दिया फ़ोन। फिर मैंने उसे उठा करके दूसरी जगह रखा, मतलब ऊपर की जगह रखा, शेल्फ पे रखा ताकि वो पहुंच ना पाए, और यहाँ वहाँ घूम रही है मांग रही है ऑरेंज, लेकिन ऑरेंज मैंने उसे थोड़ा सा ही दिया था क्योंकि बच्चों को ऑरेंज खिलाओ तो उनके ऐसा बोलते हैं ना कि डायपर पहनाओ तो रैशेज़ हो जाते हैं, साइट्रस फूड खिलाओ कोई भी जैसे कि आप नींबू खिलाओ या ऑरेंज खिला दो तो डायपर रैशेज़ हो जाते हैं, इसीलिए मैंने उसे नहीं खिलाया है क्योंकि प्रॉब्लम उसे ही हो जाएगी। तो चाय पी ली मैंने और मेरी बेटी यहाँ पर शैतानियाँ कर रही है, ये देखो आ गई ओ लड़की, ये रही मेरा ट्राईपॉड लेकर भी घूम रही है, और ये ना खिलौने इसके जो हैं सारे, मतलब मैं भी धोती हूँ अपनी बेटी के सारे खिलौने, अभी फ़िलहाल धो रही हूँ, जैसे वो मुँह में ले लेती जो रबड़ वाले खिलौने हैं और मुँह में ले लेती, दाग निकल रहे हैं ना इसके, मुँह में ले लेती वो खिलौने धो देती हूँ, और टेडी बियर वगैरह इसके धो दिए हैं क्योंकि मुँह में देती है नीचे यहाँ वो फेंक देती है, अपने सैंडल मुँह में ले लेती है तो सैंडल उठा कर रख देती हूँ, तो सारी चीज़ें मोस्टली ये मुँह में लेती है, सब मैंने यहाँ उठा करके रख दी है फिलहाल। फ्लोर वॉश भी करना ज़रूरी है, मतलब रेगुलरली नहीं कर सकते आप तो वो मतलब डिफरेंट इंटरवल्स पे जरूर कर दीजिए, एक दिन छोड़ के एक दिन कर देती हूँ मैं भी, ऐसी करते रहिए तो वही काफ़ी है, मतलब ओहो गिर गई तो बस ये थोड़ी थोड़ी प्रिकॉशंस रखनी है अभी फ़िलहाल, क्योंकि गवर्नमेंट इतना कर रही है तो हम लोगों को भी अपनी तरफ से करना पड़ेगा, अपनी चीज़ें खुद ही करनी पड़ेगी हम लोगों को। तो अभी तो शाम के बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं अभी शाम के, और अभी तो मेरे हस्बैंड तो घर पे ही रहेंगे 2 हफ्ते, 1 हफ्ते की छुट्टी है और 1 हफ्ते वर्क फ्रॉम होम है, फिर डिसाइड करेंगे 2 हफ्ते में कंडीशन थोड़ी बेटर हो जाए मेरी, क्योंकि सारे बॉर्डर्स वगैरह सब सील हैं, और मेरा जो निफ्यू है वो कनाडा में है, मतलब कनाडा में वो पढ़ने गया है, तो मुझे उसकी भी बहुत टेंशन हो रही है कि कनाडा में भी, क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट ने तो खैर सारे ही मतलब बाहर से आना ले जाना बहुत पहले ही उन्होंने बंद कर दिया था, उन लोगों ने वहाँ का तो प्राइम मिनिस्टर जो है उन लोगों ने जो दिहाड़ी मजदूर नहीं हमारे यहाँ जो बेचारे भूखे मर रहे हैं अभी, मतलब जिनका पूरे दिन मतलब जो दिन में कमाते हैं रात में खाते हैं वाले लोग होते हैं जो दिहाड़ी मजदूर, तो उनका जो वहाँ पे कनाडा में उसने बोल दिया है कि जिसकी नौकरी जाएगी इसकी वजह से कोरोना की वजह से कि तो पैसे भी देगी कनाडा की गवर्नमेंट, तो एक चीज़ एक अच्छी है। खैर वो तो जॉब नहीं कर रहा है वहाँ, वो तो स्टडी कर रहा है तो उसकी तो यूनिवर्सिटी बंद है अभी फ़िलहाल, तो लेकिन टेंशन तो होती ही है, छोटा ही है 19-20 साल का है बस, तो टेंशन तो होती ही है, बच्चे इतने से मज़ाक कहाँ होते हैं, और बाहर चला गया पढ़ना इतनी जल्दी, अपने करियर के लिए गया है खैर वो इंडिया में है, मतलब है ही क्या तो कहना नहीं चाहिए, मैं बताऊँ ऑनेस्टली कि हम भी यहीं पढ़े हैं, यहीं मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं, हम लोग यहीं रहते हैं, यहीं का खाते हैं, यहीं की बुराई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ना ऐसा है कि अपॉर्चुनिटीज़ मतलब बाहर थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब कनाडा में तो ये है कि बहुत कम वहाँ पर जो पॉपुलेशन है ना बहुत कम है, तो बाहर के लोगों को अप्रिशिएट करते हैं कि वो आए उनके यहाँ करके रहें, और इंडियंस को तो बहुत ज़्यादा करते हैं, और तानी कर रही है खिलौने फेंक रही है इसमें, तो इसीलिए मतलब वो गया पढ़ने, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे वो जॉब ही करें, पढ़ने गया है स्टडी करने गया है, MBA करने गया है, ग्रेजुएशन करने गया है, यहाँ से 12th करके गया है लास्ट ईयर, अभी गया है रिसेंटली जनवरी में,
तो बच्चों की थोड़ी सी टेंशन होती है, अपने बेटे की होती है, हस्बैंड की होती है, हाफ टाइम की होती है। हम जो लेडीज़ होती हैं ना, वो अपनी मतलब टेंशन नहीं करती हैं, फैमिली की ज़्यादा टेंशन करती हैं। तो जल्दी से बस पोजीशन संभल जाए, सिचुएशंस नॉर्मल हो जाए, बस ये उम्मीद है। और हम सब मिलकर करेंगी काम, तो पक्का से पक्का हो जाएगी सिचुएशन नॉर्मल। और चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चलिए अपना ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए, घर के बुजुर्गों का ख्याल रखिए, और टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।